थोड़ा है, तो ये कैसे काम होगा, कितने दिन में करेगा, नहीं करेगा, कितनी जिम्मेदारी क्या होगी, तो कहीं अगर ये असल कोई विवेक है उनको ये तो वो चौंक के देखने लगे कि वास्तव में ऐसा हिंदुस्तान में हो सकता है। तो जब तक मैंने मेरी दादी कभी कहती थी क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी मशीन हो सकती है जिसमें हाथ अलग कैसे निकल जाए, आज हम देख रहे हैं। और जब मेरी दादी मेरे घर आई थी, हमारे घर वाला टीवी जी सही नहीं है, गाँव के ठाकुर साहब वाला टीवी ठीक है, तो उसमें तो हाथी घोड़े भाड़े बड़ी सेना सब थी, तुम्हारे में कोई एक आदमी कह के एक घंटे से बोल रहा है, तो मेरे घंटे में मेरे घर की टीवी में तो समाचार चलता था। और मेरी दादी माँ जब टीवी देखने जाती थी तो रामायण और महाभारत भी आती थी, उसी दौरान उसने टीवी देखी, जो चीज हमने कभी महसूस नहीं की वो आज हम महसूस कर रहे हैं, चीजों को बेहतर होते देख रहे हैं। और मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि ये हिंदुस्तान एक दिन कागजों के बोझ में अब जाएगा, तो कागजों के बोझ से निकलने के लिए जो सूचना का पोर्टल आरटीआई जब जवाबदेही कानून आता तो उस कागजों का निस्तारण होगा, उस बोझ से मुक्ति मिलेगी, उस बोझ से मुक्ति के लिए इतना बड़ा अभियान है, उस अभियान के बाहर के बल्कि आप जब जब हमारी यात्रा चल रही थी तो साथ में संत जी के हमारे बीच बैठे हैं, और जब उनकी बातचीत का अंदाज बड़ा जमीन से जुड़ा होता है, वो जन गायक के तो जब अमीर खान के साथ बातचीत हो रही थी तो सर उन्हें एक्चुअल में से समझा गया है, और वो उन्हें ये बताते कि एक महिला ये कहती है कि जब मैं मेरे बच्चे को किसी दुकान पर भेजती हूँ तो जब मैं उससे हिसाब मांगती हूँ देश के हुकूमत को मैं अपने काम का हिसाब करना कोई जनवाहक के रूप में इस पूरे घटनाक्रम को रोज इतने तक काम करते हैं, रात को 10 बजे लिखते हैं और 12 बजे तक उसे भेजते हैं, और अगले दिन वो दैनिक जागरण में छोड़ता है, वो हमारे साथ में और जी वेकेंसी है वो भी हमारे साथ में है, जो इस पूरे यात्रा में इस पूरे दौर में है, यहाँ की जो लोकल टीम के तौर पर एनजीओ में काम करते हैं हमारे साथ इच्छा जी जो सदस्य है, और जब उस तरह से चर्चा करते हैं मैंने कहा मैंने जालोक में बहुत अच्छा एनजीओ का काम किया, मैंने कहा मैं ऐसे कई एनजीओ को जानता हूँ जो फर्जी लोगों के साथ पैसा उठाते हैं, लेकिन अगर काम के तौर पर कहें तो मेरे पास 5 नाम नहीं है ऐसे एनजीओ करते हो, अगर आप मैं उनसे रूबरू करवाएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हम उनके साथ मिलकर काम करें, और अगर नहीं है आप आ रहे हैं तो हम उस तरह के जन चेतना के बाहर के तौर पर काम करें। मैं चाहूंगा कि हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर वो इस पर कुछ बात करें और वो उस पर फीडबैक दें, फिर एक जमीन से जुड़ के एक बड़े स्कूली अधिकार के तौर पर खड़े किए हमारे लिए पार्टी हमारे साथ में मुकेश जी हैं, तो न केवल इनके पिता एक बाबू के वे से काम किए और आज एक बड़े बिजनेस टाइकून के तौर पर जागरूक जाने जाते हैं, और हमारे जागरूक का ये मैंने रोग है कोई लेकिन इनको ये पता है कि जमीन से पत्थर कैसे निकलता है कैसे भेजना है और इनके हर्डल से आते हैं समस्या का समाधान कैसे, तो सर जब मॉर्निंग में हमको समझा रहे थे कि पहले जब खानों का आमंत्रण होता तो जब पहली बार जब करता आज जब सूचना पोर्टल पे लिखी थी कि खान के आमंत्रण का 1 मिनट में बता कई चीजें हैं तुम्हारे करने की कमी उस पर बात करें, एक ही करके मैं माइक अर्जुन जी की तरफ देता हूँ वो पे बात करें, फिर हमारे साथ कुछ प्रधान सर के पदाधिकारी हैं, दीपक ने दुनिया के परिसर नाम भारत ने परमेश सरपंच को वो भी परिसर नाम पड़े हैं, और बाकी भी जो भी साथ अपनी बात करने पर हमारे साथ अरुण जी हैं जो यहाँ पहले से आज मॉर्निंग भी सर एक बात बता रहे थे जो सिंपल उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि जागरूक ने पहले फैक्ट्रियां हैं फैक्ट्रियों में बड़े सिंपोसिस की बीमारी जैसे ना हो लेकिन जो खान वहाँ खान के मजदूरों को सिंपोसिस की बीमारी हो सकती है लेकिन उसे उसकी जानकारी हम टीबी कहते हैं या दमा कहते हैं या उनकी मौत हो भी जाती है लेकिन हमें कागजों में नहीं पता चलेगी, उन कागजों को निकाल के आप सरकारी सुविधाओं का कैसे लाभ ले सकते हैं उसके तौर पर भी मैं चाहूँगी बात करें लेकिन अगर टाइक्वांडो, वुशु और बॉक्सिंग में जो वेस्टर्न
ये जागरूकती रास्ते निकले हैं और वहाँ पे जो ये ट्रेनिंग से लोगों को देते हैं वो सारे समाज के बारे में कार्य नहीं करते उनके लिए प्रकृति के हमारे मैं चाहूँगा कि ये भी कहते हैं बात करें और 1947 में देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के 74 वर्ष बाद आज भी भारत गरीबी बेरोजगारी और भूखमरी के दौर से गुजर रहा है, जबकि चाइना 1950 में आज़ाद हुआ था हमारे से बाद में। और आज वो दुनिया का सबसे धनी देश है, जापान दुनिया का विकसित देश है। और भारत की दुर्दशा क्यों है, तो इसके मूल में हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार क्यों है, क्योंकि जवाबदेही नहीं है। तो इसलिए जवाबदेही का कानून बनना नितांत आवश्यक है। देश के जो संघीय ढांचे है, संघीय ढांचे में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीन का प्रावधान है। मैंने आपका ये जो फॉर्मेट देखा तो ये कार्यपालिका को तो टच कर रहा है, मगर विधायिका का क्या होगा, न्यायपालिका का क्या होगा? जो हमारे MP MLA जीत के जाते हैं, जनता से बहुत सुनहरे वादे करते हैं और अपने पूरे कार्यकाल के दौरान AC की हवा खाने के सिवा कुछ भी नहीं करते, तो जवाबदेही उनकी क्या तय होगी? दूसरी, एक चुनाव घोषणा पत्र तमाम पार्टियां जारी करती है, पॉलिटिकल पार्टीज,
और जब वो सत्ता में आ जाती है तो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को साइड में रख लेती है, या उसमें से जो कार्य होता है उसका 50% भी नहीं कर पाती, तो उनकी जवाबदेही क्या होगी? ये सेक्शन 198 के तहत जनता के साथ धोखा नहीं है, ये 420 के साथ जनता के साथ धोखा नहीं है, तो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। न्यायपालिका की बात करें तो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हजारों केस लंबित है, तो क्या उनकी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है? अगर न्याय आपको देरी से मिलता है तो कहीं कहीं वो भी अन्याय है। तो यहाँ कार्यपालिका का तो आपने पूरा विधान तैयार कर दिया, मगर विधायिका, हमारे MP, MLA, गवर्नमेंट जो बनती है उसका क्या दायित्व रहेगा? और न्यायपालिका जैसे 20 साल, 25 साल, 30 साल और 50 साल से डिसीजन आता है, कई बार तो जो पीड़ित पक्ष होता है उसकी मृत्यु तक हो जाती है, तो कहीं कहीं ये भी अन्याय है। तो मेरा निवेदन रहेगा इन मुद्दों पर भी आप लोग विचार करें और कहीं कहीं उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। धन्यवाद। जवाबदेही कानून आपने फॉर्मेट बहुत अच्छा तैयार किया है, पर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। बात हुई थी राशन डीलर की। राशन डीलर है जो गरीब आदमी है ना, उसको तो भटकना ही पड़ता है, इसमें तो कोई दोराय नहीं। अपन कहेंगे कि उसकी शिकायत कर देंगे, ठीक है 10 शिकायतें शामिल हुई, उसका ऊपर का इंस्पेक्टर होगा, अरे तेरी तो 10 शिकायतें आ रही है, क्या करना है तेरा, तो वो निपट जाएगा। राशन डीलर ने निपटना तो गरीब को ही है, इसलिए ऐसा कानून हो कि गरीब के घर पे खाना पहुंचे। इंस्पेक्टर मजे कर लेगा, उससे ऊपर का मजे कर लेगा, फिर क्या मतलब निकलेगा। तो कानून को थोड़ा बहुत चेंज करने की भी जरूरत है, तो इनके घर पे ही सारी व्यवस्था की जाए। कानून आपके द्वार होना चाहिए, आप कानून के द्वार नहीं, ऐसा कुछ व्यवस्था करें जिससे कानून गरीब के द्वार पे आ जाए। अभी मुख्यमंत्री जी का वो प्रावधान चल रहा है वो पट्टे देने का, ठीक है, लोग कैंपों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, जिनके व्यवस्था हो रखी है उनको पट्टे मिल जाते हैं, बाकी भटकते रहते हैं, तो क्या मतलब, उनको घर पे जाके पट्टा दो ना। और बिजली के लिए क्यों, वो एक जगह होना चाहिए, ई मित्र पे चला जाए आदमी और ई मित्र पे जाके एप्लीकेशन दे कि ये बिजली वाला जाए उसके घर पे कनेक्शन देने के लिए, वो क्यों भटके, जो पैसे लेने वो ले लो। इसलिए जवाबदेही कानून अच्छा कानून है, इस पर कुछ संशोधन भी आप करावे, और वो सरकार को करना है, पालना तो सरकार को करवानी है, जो भी है। धन्यवाद। बात कही थी, ठीक है ना, अपन रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराने जाते हैं, कानून में सब नियम है पर सबको जलती है और कोई पालना काटना नहीं चाहता। अपन ने रजिस्ट्री कराई खातेदारी भूमि की, तो मतलब कानून में ही लिखा हुआ है कि उपपंजीयक की ड्यूटी है कि वो तहसीलदार को प्रतिलिपि भेजेगा और तहसीलदार उसका म्यूटेशन भरेगा, पर आज दिन तक तो कोई पालना ही नहीं करता है, तो फिर कौन करवाएगा? सबको जल्दी है, लेके पटवारी को पैसे दो और एक दो म्यूटेशन भराओ, ये चलता रहता है तो कैसे रुकेगा? कानून में प्रावधान है पर पालना ही नहीं कर रहे हैं ना। नमस्ते जी, इस जवाबदेही कानून अच्छा है, लेकिन इसकी कारणों के ऊपर मेरी सोच जो है कि कहीं भी अपन जाते हैं, जैसे आप प्राइवेट संस्थान में जाओ वहाँ आपको एक टोकन दिया जाता है, पासपोर्ट जाओ तो टोकन दिया जाता है, फिर आपको ऑनलाइन पता रहता है कि मेरा काम कहाँ अटका हुआ है। लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ उस आदमी को पता चले कि मेरी फाइल कहाँ अटकी हुई है और किस लिए अटकी हुई है। अगर सरकार द्वारा आप कानूनों में ऐसा प्रावधान करें कि उसको एक टोकन नंबर दें और उसको जानकारी हो कि मेरी फाइल कहाँ अटकी हुई है और किस कारण अटकी हुई, तो उसका काम जल्दी हो सकता है। धन्यवाद। जी मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं शुरू कहाँ से करूँ। सच बात यह है कि ओडिशा एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ तरह अपन सामाजिक कार्यक्रम पे प्रसंग होता है, शादी ब्याह होता है या राजनीतिक पार्टियों का कार्यक्रम होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई अपने निहित स्वार्थ लेके जाते हैं। ये सिरफिरे कहाँ से आए मेरे को समझ में नहीं आया।
सच कह रहा हूँ, अपन कोई कोई काम लेके जाते हैं, इनका क्या काम है, इनको रात को चुनाव लड़ना है क्या, पैसा कमाना है क्या? अब ऐसे दिल्ली लोग आए, ऐसी यात्रा आई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमें पता ही नहीं। ये तो भरत जी का फोन आया है, आगे देश में बदलाव अगर कोई लाएगा तो ऐसे लोग ही लाएंगे, सटीक बात कह रहा हूँ आपको। इतना उज्जवल साहब ने कहा कि निर्मल इनका व्यक्तित्व देखो, न इनको मंच पसंद, न इनको बोलना पसंद है, और काम कितना भारी है, जवाबदारी कानून की। वकील साहब अभी हम बात कर रहे हैं ना, इसका प्रैक्टिकली रूप जिस दिन आएगा, जैसे आरटी आया, आरटी आया तो हालत खराब होगी। अभी भी देश में व्यवस्थाएं बदलने के लिए जवाबदारी कानून, अब साहब नगर पालिका चले जाओ, तहसील ऑफिस चले जाओ, ये जितने जो माफियाज हैं, राजस्व विभाग हुआ, नगर पालिका हुई, मतलब आपको जवाब नहीं देंगे। भरत जी ने सही कहा, जैसे हम मेरे काम नहीं होते, मेरी एक फाइल 10 साल से नगर पालिका में पड़ी, क्यों, मैं वो सिस्टम आया नहीं दिल जुड़े, काम होने के बाद माफी चाहता हूँ। मैं मैंने बीएड कॉलेज भी है, स्कूल में मैं बहुत गर्व से बात कर रहा था, बीएड में हम सिस्टम में ढल गए, कभी सोचा नहीं था कि सिस्टम, क्योंकि 4 साल टेंशन में रहे। तो अभी तक एक नियम तो बना रखा है कि ये नहीं देंगे, पहले बाद में माफी चाहता हूँ सर, हम लोग नहीं रहे नहीं रहे वो। तो अब देखो इनकी दादागिरी, तुम तो जवाबदारी कानून जिस दिन आएगा उसको महीने भर 15 दिन जो भी टाइम पीरियड दिया गया तेरे को जज मार के करना पड़ेगा, नहीं तो तेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस दिन उनको पता चलेगा, जो ऐसे कर्मचारी पैसा कमाने वाले लोग है ना दूसरे तरीके से, उनकी जवाबदारी जिस दिन तय हो जाएगी, वो सिस्टम आ जाएंगे और भ्रष्टाचार पे इतना बड़ा अंकुश लगेगा कि आप बात छोड़िए। तो ये कानून बने, मुझे नहीं पता कब बनाएगा, कैसे बनेगा, बहुत डिफिकल्ट काम है। पर ये जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा में ये जनता का कानून बन रहा है और काम ये कर रहे हैं, और हम देखे देखे हमारी कोई, हमारी क्या भागीदारी, कोई भागीदारी नहीं, चालू और कितने को भागीदार मानता नहीं। ये बंदा आया दौड़ भाग करके धड़ाधड़ दौड़ के गया, मैंने इनको कहा वहाँ सीनियर सिटीजन की मीटिंग चल रही, फोटो चल रहे हैं, उनको पकड़ के लाओ। अब वो भी उस बड़ी बात को समझ नहीं पाए, ये इतनी गहरी बात है कि हमारे बीच में इतनी दूरियां जमीन से लेकर आसमान की दूरी रही है, ये आए नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जालौर के लोगों को कहूँगा, ये उज्जवल साहब, ए पी जे शिवदत्त जी वगैरह बैठे हैं, आप डूडी साहब, आप भी कोई सिर्फ पत्रकार ही नहीं हो, आप उसमें हमें एक ऐसा मंच तो खड़ा करना चाहिए जालौर में, जिसको हम रियल एनजीओ कहते हैं ना, तो एनजीओ वाले तो वही एनजीओ है, हाउ टू टका टक। तो एक चीज इनके आने, इनसे प्रेरणा लेकर के हम सब साथी, और मुकेश जी ये इतना बढ़िया बंदा है कि आपको दूसरी प्रॉब्लम नहीं आने देगा, मतलब वो वाली बहुत मेहनत करता है, सही बात है। और ये करेंगे तो मुकेश जी आपसे भी कह रहा हूँ, शिवदत्त जी भी सुन रहे हैं, डूडी साहब भी सुन रहे हैं, हम लोगों को उर्जू साहब आप भी सुन रहे हैं, ये इस मीटिंग की सार्थकता तभी होगी जब कोई एक चीज यहाँ खड़ी करेंगे। धन्यवाद। आज जवाबदेही यात्रा में सभी पुराने इनका आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपसे 3-4 मोटी मोटी बातें कहूँगा। राज्य सरकार ने एक सुख शक्ति योजना चलाई थी पहले, इससे पहले गवर्नमेंट, और अभी सरकार ने अतलेवा योजना चलाई। लोग फॉर्म तो ऑनलाइन करवाते हैं, टाइम पूरा हो जाता है, आवेदन करते हैं कि इनकी शादी है, और उस समय उनके वो खाते में 25,000 का, अतलेवा में 25,000 है, पहले सुख शक्ति में 55,000, आज उनके खाते में पैसे नहीं आए, दलाल हैं यहाँ, तो दलाली करते हैं, उनके खाते में पैसे आते हैं। कई लोगों को मैंने फॉर्म भरा, मेरे पास 50 कैंडिडेट फॉर्म, और यहाँ जाते हैं तो मिलता नहीं है, इसमें दलाली करते हैं, उनको पैसे देने का काम होता है। क्योंकि ये भी सरकार की जवाबदारी है कि उन्होंने ये योजना निकाली है, तो फिर उनका तो काम तो होना चाहिए। सेकेंड बात है, हाल सुरक्षा के जो फॉर्म है, सरकार हाल सुरक्षा के जो APL लोगों को, BPL लोगों को गेहूँ देती है, वो तो लगभग 2 साल से तकरीबन ऑनलाइन साइट बंद है, फॉर्म भरे तो भरे का लोग गदर के ठोकरे खा रहे हैं। हमारे पास भी आते हैं, मेरी पत्नी वहाँ सरपंच है, मैं उन लोगों को कहीं कहीं योजना से लाभ मिले, लेकिन उनका 2 साल से ऐसे गरीब परिवार है,
जिनके बच्चा बाप नहीं माँ नहीं है, बकरिया चरा के वो गुजारा कर रहा, उसकी है कैसे नहीं? भोजन भोजन दूध के लिए उनका नहीं, तो कहाँ जाए? यहाँ अधिकारी को मैंने कह दिया कई बार, उनका आज तक आवेदन नंबर सर 3 जो गाँव में यहाँ शहरी क्षेत्र में 15 दिन होता है जमीन जमीन 15 दिन होता है। नियम क्या है कि 15 दिन होने के बाद संबंधित ग्राम पंचायत को उसकी सूचना जैसे कि दार के मार्ग पर काम भेज जाए, लेकिन आज तक किसी को यहाँ बैठा होगा सरपंच है या कोई, आज तक नहीं कांड उनकी तो जवाबदेही है, सूचना भेजनी पड़ती है ग्राम पंचायत को, नियम है कानून है फिर भी नहीं आई। और मैं मौके पर खुद एक्शन साहब को लेकर आया, मैंने देखो यार ये बकरियां यहाँ जली है और जली को भैया भट्टू भेजा फिर भी शिकायत कर रहे आदमी, जनित का काम उठा दिया फिर भी शिकायत कर रहे, उन्होंने कहा गरीब को दर की ठोकरे खाता है, जो पहुंच वाले हैं सिस्टम सेट है उनका काम होता है ये हकीकत। तो ये मोटी मोटी बात है, इन पे भी आपका यात्रा में ये भी शामिल कीजिए, धन्यवाद। तो ये जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा है ग्राम पंचायत समिति जालौर, तो सीधा दृश्य आप देख रहे हैं, जवाबदेही यात्रा पहुंची है। तो कार्यालय पंचायत समिति जालौर से आप ये दृश्य देख रहे हैं, जहां आपको सभी ट्रेड यूनियन के सदस्य सभी अपनी अपनी बात कर रहे थे। कुछ लेना ले लो, कौन है